हेलो फ्रेंड, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेसान स्टारडस्ट में। और आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता अरोरा का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करने जा रहे हैं। अमृता अरोरा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस, मॉडल, टीवी प्रेजेंटर और वीजे के तौर पर पहचानी जाती हैं। और उनकी खास पहचान है बॉलीवुड की एक्ट्रेस, होस्ट और आइटम सॉन्ग गर्ल मलाइका अरोरा खान। खान तो इससे हटा देना चाहिए क्योंकि अब वो अरबाज खान की वाइफ नहीं रही हैं, तो मलाइका अरोरा कहना ही मुनासिब है। व्यूअर, हम बात कर रहे हैं अमृता अरोरा की। दोनों ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज सन 2002 की मूवी कितनी दूर कितने पास से किया। और उनकी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की पहली सक्सेसफुल मूवी थी आवारा पागल दीवाना। और 2004 की कंट्रोवर्शियल मूवी गर्लफ्रेंड भी उनकी खास मूवीज में शुमार की जाती है। गोलमाल रिटर्न्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं अमृता अरोरा। और व्यूअर, एज एन एक्ट्रेस अमृता अरोरा की लास्ट रिलीज मूवी का नाम है टीम द फोर्स, जो कि 2009 को रिलीज हुई थी। और उसके बाद उनकी एक मूवी एक थो चांद, जो कि फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाई गई थी। तो एक बार आज की इस वीडियो में हम अमृता अरोरा का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ उनके कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो भी आप व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, एज एन एक्ट्रेस अमृता अरोरा की डेब्यू मूवी का नाम है कितनी दूर कितने पास। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मेहुल कुमार ने और फिल्म की लीड कास्ट में फरदीन खान, अमृता अरोरा, अयूब खान और सोनाली कुलकर्णी शामिल थे। और यह फिल्म 29 मार्च 2002 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 5 करोड़ और उसने इंडिया में 1 करोड़ 73 लाख के कलेक्शन की। और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 4 करोड़ 27 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर कितनी दूर कितने पास एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। विक्रम भट्ट की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आवारा पागल दीवाना। फिल्म की लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदेसानी, परेश रावल, प्रीति झांगियानी, आरती छाबड़ा और अमृता अरोरा शामिल थे। और यह फिल्म 21 जून 2002 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 13 करोड़ और उसने इंडिया में 16 करोड़ 2 लाख के कलेक्शन की। और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 23 करोड़ 42 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी करार दी गई थी। डेविड धवन की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी एक और एक 11। संजय दत्त, गोविंदा, अमृता अरोरा, जेकी श्रॉफ स्टारर। यह फिल्म 28 मार्च 2003 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 9 करोड़ 50 लाख और उसने इंडिया में 11 करोड़ 71 लाख के कलेक्शन की। और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 18 करोड़ 50 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई। पूरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी शर्त द चैलेंज। फिल्म की लीड कास्ट में तुषार कपूर, ग्रेसी सिंह, अमृता अरोरा शामिल थे। और यह फिल्म 13 अगस्त 2004 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 4 करोड़ 50 लाख और उसने इंडिया में जस्ट 58 लाख के कलेक्शन की। और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 84 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। करण राजदान की डायरेक्शन में बनने वाली कंट्रोवर्शियल मूवी गर्लफ्रेंड। फिल्म की लीड कास्ट में अमृता अरोरा, ईशा कोबेकर और आशीष चौधरी शामिल थे। और यह फिल्म 11 जून 2004 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 50 लाख और उसने इंडिया में 3 करोड़ 94 लाख के कलेक्शन की। और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 5 करोड़ 73 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर गर्लफ्रेंड एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई। जुलाई 2004 को रिलीज होने वाली सलमान खान स्टारर मूवी मुझसे शादी करोगी। इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे अमृता अरोरा ने। महेश मांजरेकर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रक्त। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, बिपाशा बासु, सुनील शेट्टी, डीनू मूरिया, अमृता अरोरा और नेहा दुबिया शामिल थे। और यह फिल्म 3 सितंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 12 करोड़ और उसने इंडिया में 5 करोड़ 34 लाख के कलेक्शन की। और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 8 करोड़ 5 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर रक्त एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। महेश मांजरेकर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी दीहा। फिल्म की लीड कास्ट में डीनू मूरिया, जया प्रदा, महेश मांजरेकर और अमृता अरोरा शामिल थे। और यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। विक्रम चोपड़ा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी फाइट क्लब मेंबर्स ओनली। फिल्म की लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, सोहेल खान, जैफ खान, डीनू मूरिया, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी और अमृता अरोरा शामिल थे। और यह फिल्म 17 फरवरी 2006 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 8 करोड़ 25 लाख और फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ 48 लाख के कलेक्शन की। और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 8 करोड़ 71 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर फाइट क्लब एक फ्लॉप फिल्म करा दी गई। विक्रम भट्ट की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रेड द डार्क साइड। फिल्म की लीड कास्ट में आफ्ताब शिवदेसानी, सेलिना जेटली, अमृता अरोरा शामिल थे। और यह फिल्म 9 मार्च 2007 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 4 करोड़ और उसने इंडिया में 3 करोड़ 92 लाख के कलेक्शन की। और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 5 करोड़ 59 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर रेड एक फ्लॉप फिल्म करा दी गई। अगस्त 2007 को रिलीज होने वाली अक्षय कुमार स्टारर मूवी है बेबी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे अमृता अरोरा ने। अक्टूबर 2007 को रिलीज होने वाली मूवी स्पीड में अमृता अरोरा ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। नवंबर 2007 को रिलीज होने वाली शाहरुख खान स्टारर मूवी ओम शांति ओम में अमृता अरोरा ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे।
चंद्रकांत सिंह की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रामा रामा क्या है ड्रामा। नेहा धूपिया, राजपाल यादव, आशीष चौधरी, अमृता अरोरा स्टार। ये फिल्म 2 जनवरी 2008 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 8 करोड़ और इसने इंडिया में जस्ट 2 करोड़ 2 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 2 करोड़ 82 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। अतुल अग्निहोत्री की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हेलो। फिल्म की लीड कास्ट में शर्मन जोशी, सुहेल खान, ईशा कुबेकर, अमृता अरोरा, अरबाज खान शामिल थे और ये फिल्म 10 अक्टूबर 2008 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 14 करोड़ और उसने इंडिया में 12 करोड़ 11 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 17 करोड़ 82 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर हेलो एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। अक्टूबर 2008 को रिलीज होने वाली मूवी हीरोज में अमृता अरोरा ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी गोलमाल रिटर्न्स। फिल्म की लीड कास्ट में अजय देवगन, करीना कपूर, अर्शद वारसी, रियाज तालपड़े, तुषार कपूर, अमृता अरोरा शामिल थे और यह फिल्म 29 अक्टूबर 2008 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 35 करोड़ और उसने इंडिया में 51 करोड़ 12 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 78 करोड़ 51 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर गोलमाल रिटर्न्स एक हिट फिल्म करार दी गई। साबिर खान की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी कमबख्त इश्क। फिल्म की लीड कास्ट में अक्षय कुमार, करीना कपूर, आफताब शेरदी सानी, अमृता अरोरा शामिल थे और ये फिल्म 3 जुलाई 2009 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 31 करोड़ और उसने इंडिया में 47 करोड़ 9 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 81 करोड़ 61 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर कमबख्त इश्क एक एवरेज मूवी करार दी गई। अजय चंदूक की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी टीम द फोर्स। फिल्म की लीड कास्ट में सुहेल खान, अमृता अरोरा शामिल थे और यह फिल्म 2009 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 8 करोड़ और उसने इंडिया में 1 करोड़ 59 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़ 19 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर टीम द फोर्स ये डिजास्टर मूवी करार दी गई। सईद अख्तर मिर्जा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी इथो चांस। फिल्म की लीड कास्ट में अमृता अरोरा, पूरब कोहली, अली फजल और विजय राज शामिल थे और ये फिल्म दिसंबर 2009 को केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज की गई थी। इस फिल्म को थिएटर्स पर रिलीज नहीं किया गया और यही एज एन एक्ट्रेस अमृता अरोरा की अब तक की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। और फ्रेंड, अमृता अरोरा के कंप्लीट करियर का जायजा लें तो अपने कंप्लीट करियर में अमृता अरोरा 21 मूवीज़ का हिस्सा रही हैं, जिनमें से उनकी एक मूवी हिट, 2 मूवीज़ एवरेज और 2 बिलो एवरेज रही हैं और उनके कंप्लीट करियर में 3 मूवीज़ फ्लॉप और 6 डिजास्टर रही हैं। 6 मूवीज़ में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दी और उनकी एक मूवी फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाई गई थी। तो इस हिसाब से उनके कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो बनता है 35.71%। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने अमृता अरोरा की एज एन एक्ट्रेस रिलीज होने वाली तमाम मूवीज़ की डिटेल आप व्यूवर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। व्यूवर, आज की इस वीडियो में मौजूद अमृता अरोरा की इन तमाम मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ हैं कमेंट सेक्शन में उनके नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। और आने वाली वीडियोज में आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किन सुपरस्टार एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में उनके नाम मेंशन करें, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।